जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज हमारी वीडियोस पर है कि हमारी जो बकरी है ना जी, मैं आपको पहले भी हमारी वीडियोस आपने देखी हुई होंगी कि ये बकरी ने बच्चे दिए हैं जी। अच्छा जी, नस्ल ये हमारी है टैडी, टैडी नस्ल है, लेकिन इसने कुछ और नस्ल के बच्चे दिए हैं, यानी कि इसका जो क्रॉस था वो मेरे ख्याल से चेंज था। ठीक है, तो बकरी टैडी बकरी ने एक दूसरी नस्ल के सिंपल, यानी कि जो देसी बकरा होता है उस वैसे नस्ल के उसने बच्चे दिए हैं। तो बच्चे देने का ये तरीका है, तो यानी कि हम या बच्चे यानी कि खुद ही ये इसका हिसाब किताब करता है, यानी कि डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर इसने एक ही बच्चा निकाला है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यानी कि एक नई चीज़ हुई है ये, यानी कि बच्चे थे। ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से बच्चे बहुत हैं, यानी कि बकरियाँ एक बकरी से कई बकरियाँ बन चुकी हैं। तो ये कारोबार आपके लिए भी बड़ा बेहतरीन है। तो आपको हमने पहले भी एक वीडियो दिखाई थी ऐसी, तो अब हमारे कहने का मकसद ये था कि ये जो बच्चा है ना, ये है कोई और नस्ल का, यानी कि एक नस्ल चेंज निकली है जी, एक नई चीज़ आई है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये इन्होंने कैसे पकड़ा हुआ है इसको, और वो उसकी जो माँ है बकरी है, उन्होंने उसको कैसे किस तरीके से यानी कि इसको वो खिला रहे पिला रहे हैं। तो ये बकरी ने इस तरीके से इसको बच्चे दिए हैं, और ये नस्ल जो है टैडी है। आप देख सकते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की नस्लें यहाँ पर पाई जाती हैं, यानी कि हमारे सलमान भाई हैं, इन्होंने बकरियाँ वगैरह पाली हुई हैं। तो आप देख सकते हैं यानी कि अभी इसको आधा घंटा हुआ है, तो इसने भी बच्चा दिया ही है। तो बच्चे किस तरीके से होते हैं, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि एक नस्ल है उसने दूसरी नस्ल के बच्चे दिए। तो आपके सामने ये सब हम आपको दिखा रहे हैं, मैंने कहा इसकी एक वीडियो होनी चाहिए तो आपको, ताकि वो दिख जाए, वीडियो बना के हम आपको दिखा दें। तो ये यानी कि एक घंटे के अंदर ये बकरा, यानी कि ये है मादी, यानी कि बकरी छोटा बच्चा है। तो ये अभी माशाल्लाह से खड़ी भी हो गया पाँव पर अपने, तो आपको इंशाल्लाह मैं आगे भी दिखाऊंगा जैसे जैसे इन्होंने बच्चे दिए। तो माशाल्लाह से हमारी बकरियों ने काफ़ी बच्चे दे दिए हैं, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे तादाद होगी है जानवरों की ना। तो आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी गोट फार्मिंग की तरफ से ना, तो गोट फार्मिंग में जी बड़ा फ़ायदा है माशाल्लाह से। तो ये ट्राई करें जी, पार्ट टाइम एक बिज़नेस है। तो मैं आपको एक बिज़नेस आइडिया भी दे रहे थे, और ये भी दिखा रहे थे कि एक अलग अजूबा हुआ, यानी कि एक नई नस्ल में उसने बच्चे दिए हैं।